स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर की जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक आर्मी के जवान का पर्स चोरी किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से तकरीबन 1,00,000 रुपए का सामान और नकदी भी बरामद की है। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि अग्निवीर आर्मी जवान प्रकाश मुरुगन जबलपुर ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। ट्रेनिंग होने के बाद जब वो अपने गृह जिला जा रहा था तब उसका पर्स किसी ने चुरा लिया। पर्स में नकदी रुपए और एटीएम कार्ड मौजूद था। फरियादी प्रकाश ने पर्स चोरी की शिकायत जीआरपी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी की पहचाना के लिए जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस को रेलवे स्टेशन पर साजन उर्फ सलीम मारवेकर नमक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला। जीआरपी ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर जब उससे चोरी के संबंध में पता साझी की तो बड़ी अहम जानकारी हासिल हुई। बताया जाता है कि आरोपी साजन ने अग्निवीर आर्मी जवान प्रकाश का बटुआ चोरी करने के बाद उसने रेलवे स्टेशन पर ही एटीएम से 500 रुपए और बेलबाग के पास स्थित एटीएम से 60,000 से अधिक रुपए निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी का किसी भी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड पंजीबद्ध नहीं है। आरोपी ने चोरी के रुपयों से चांदी की अंगूठी और अन्य सामान बनवाया था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से अन्य कीमती ब्रांडेड मोबाइल भी आरोपी के पास से बरामद किया है। अपराधों की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ के आदेश निर्देश हमारी पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद जी का हुआ था, जिसके पालन में वो पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश मार्को साहब के मार्गदर्शन में टीम गठित कर चोरी गए संपत्ति की एवं आरोपियों की पतासाजी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसके कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन जबलपुर से पकड़ा गया था, जिसने एक फरियादी जो कि अग्निवीर जो भर्तियां हुई थी उसमें भर्ती हुआ था और यहाँ जबलपुर ट्रेनिंग करने आया था। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद वो अपने गंतव्य पे जा रहा था, जो प्लेटफॉर्म एक पर रुका हुआ था। प्लेटफॉर्म पे रुकने के दौरान आरोपी एक उसका सामान मतलब उसका पर्स चोरी कर लिया था। पर्स में उसका एटीएम कार्ड रखा हुआ था और चूंकि ये मिलिट्री वाले जहां ट्रेनिंग होती है वहां एक आदमी ही उनका पैसा निकालने जाता है, तो वो अपना पिन कोड उसमें लिख के रखे रहते हैं। तो वो पर्स में उसका पिन कोड मिल गया था। तो ये आरोपी ने पहले तो अपने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वाले एटीएम से 500 रुपये निकाला और फिर बेलबाग के एटीएम में जाके 68,500 रुपये निकाल लिया था। पैसा निकालने के बाद जो उसे पैसा प्राप्त हुआ था उसका सामान उसने खरीद लिया था, ये चांदी के अंगूठी और बिछिया, नाल और कुछ कपड़े, जूते, ये सामान उसके द्वारा खरीद लिया गया था। जो पैसा 40,500 रुपये तथा सामान कुल मिला के कीमती 63,190 रुपये का जब्त किया गया है। इसके अलावा अन्य मामलों में 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं जो करीब 40,000 रुपये के हैं। इस प्रकार कुल 105,000 रुपये करीब का मसरूका उस अभी जब्त किया गया है। आरोपी का नाम क्या करता था? आरोपी का नाम इसमें आरोपी का नाम साजन उर्फ सलीम सनाफ सत्यनारायण मारवेकर है।
जो बेलबाग टोरिया जबलपुर का रहने वाला है। करता क्या था जी? ये सफाई का कर्मी है। इसको कैसे पकड़ा? इसमें जिस एटीएम से इसने पैसे निकाला था उसका सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए थे, जिसमें जे फुटेज से उसकी पहचान हो पाई थी। उस टाइम कुछ पिछले रिकॉर्ड आए क्या? नहीं, पीछे का भी उसका चोरी का रिकॉर्ड नहीं आया।